मछोदरी स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर के सभागार में पत्रकार वार्ता करते हुए मंदिर के महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी महाराज ने कहा कि स्वामी नारायण मंदिर में दीपावली महापर्व का श्री गणेश 29 अक्टूबर से होगा। इस अवसर पर पूरे मंदिर को दिव्य भव्य और नव्य तरीके से सजाया जाएगा। इसके साथ ही मंदिर प्रांगण अगले 4 दिन तक उत्सवी उल्लास से सराबोर रहेगा। विशेष यह भी है कि इस बार पावन प्रांगण में आतिशबाजी के बीच डांडिया नृत्य की धूम दीपावली पर 31 अक्टूबर को रहेगी। इसके लिए गुजरात से श्रद्धालुओं का बड़ा दल काशी पहुंचेगा। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा 2 नवंबर को अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा। भगवान को 56 भोग चढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं इस संबंध में महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी ने बताया कि इस बार 200वां श्री लक्ष्मी नारायण देव द्विशताब्दी महोत्सव 7 से लेकर 15 नवंबर तक गुजरात के वड़ताल धाम में मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में मछोदरी स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में इसीलिए बुलाया था सबको कि भाई हर दफे की तरह जो अन्नकूट होता है दिवाली के दूसरे दिन होता है, इस बार की वजह 2 तारीख को अन्नकूट है और 31 तारीख को दिवाली है, तो उसी वजह से सबको अगवा करने के लिए और कहने के लिए कि भाई इस तरह का प्रोग्राम है और 29 तारीख को यहाँ पे लक्ष्मी पूजन होगा धनतेरस के दिन और धन बांटा जाएगा और 1 तारीख को दिवाली मनाया जाएगी और 31 तारीख को और 2 तारीख को अन्नकूट होगा, गोवर्धन पूजा होगा 12:30 बजे गोवर्धन पूजा, उसके बाद आरती किया जाएगा, उसके बाद भंडारा 7 बजे तक भंडारा चलेगा और सब विद्वान लोग यहाँ के लोग सब आएंगे और सबको आग्रह करते हैं कि सब लोग जोर से यहाँ आवे, सब लोग अपने परिवार को लेके, साल में एक बार अच्छा सा प्रोग्राम होता है यहाँ। क्या खास होता है अन्नकूट के श्रृंगार में? अन्नकूट के श्रृंगार में 56 भोग बनते हैं, गुजरात से भी लोग आते हैं, यहाँ हम अपने हाथ से भी बनाते हैं